नमस्कार। कई लोगों ने बोला नहीं, थक गए क्या? सबकी गारंटी कैसे ले सकते हो? पक गए क्या? तो बताओ जरा नारा लगा के भारत माता की। कुछ लोग तो थक गए, कई लोगों ने तो ऐसे जोर से हाथ लहराया, कई लोगों का ऐसे ही उठा। एक बार फिर से बताओ, वो वाले बताना इस बार, इंकलाब इंकलाब भारत माता की। साथियों, दो साल हो गए इंकलाब जिंदाबाद करते करते, भारत माता की जय के नारे लगाते लगाते। कुछ तो बदला है, लेकिन जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ अभी, जो हम चाहते हैं वो अभी नहीं हुआ। तो इसके लिए तैयार हैं बदलाव के लिए? तो आइए पहले नारों से बदलाव शुरू करते हैं। मैं अभी दो नारे आपके बीच लगवाना चाहता हूं, और इस उम्मीद में लगवाना चाहता हूं कि इनको याद करके, क्योंकि जब हम इंकलाब जिंदाबाद कहते हैं तो वो मैसेज नहीं जाता, लोगों को लगता है होता होगा कुछ इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय बोलते हैं तो दिल में तो अच्छे भाव उतरते हैं, लेकिन बात क्या कहने चाह रहे हैं, कौन लोग हैं, क्या कह रहे हैं, ये बात नहीं आती। इसलिए एकदम डायरेक्ट अटैकिंग नारे, दो हिट करने वाले नारे। एक नारा है कि कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई। कुछ लोगों को लगता है मलाई खा रहे हैं, अभी लगता है कांग्रेस बीजेपी ने क्या, हमने भी तो खा रखी है इसलिए बोल नहीं पा रहे। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई। और एक दूसरा, आम आदमी पार्टी आएगी और क्या करेगी, क्या करेगी, भ्रष्टाचार मिटाएगी। हमारी लड़ाई तो भ्रष्टाचार से है, और ये भूलना नहीं है। आम आदमी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी। साथियों, क्योंकि हम दिल्ली की गलियों में नारे लगाते हुए घूमते हैं, जब हम इंकलाब जिंदाबाद करते हुए निकल जाते हैं तो लोगों को लगता है कांग्रेस वाले निकल गए होंगे। जब भारत माता की जय करते हुए निकल जाते हैं तो लोगों को लगता है भाजपा वाले आ गए होंगे। इसलिए जरूरी है कि इंकलाब जिंदाबाद के साथ हमारा नारा है। ये भारत माता की जय बीजेपी के बाप का नारा नहीं है, हमारी माता भारत माता का नारा है। लेकिन जरा ये दो नारे और जोड़ लीजिए अपने नारों में, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। क्योंकि जब ये किसी गली से निकलते हुए आप लगाएंगे तो लोगों को लगेगा नहीं यार, कांग्रेस बीजेपी वाले नहीं है, कोई और लोग हैं। ये बताना जरूरी है, कुछ अलग लोग हैं। और दूसरा नारा ये कि हम करेंगे क्या। अभी रणवीर भाई से बात कर रहे, देखिए ये ताकत है, ये फिल्म स्टार सितारे, आम आदमी के, ये किसी कांग्रेस की पार्टी में गए होते तो वहां बिठा रखा होता इनको, यहाँ तो आम आदमी के साथ बैठते हैं, आम आदमी के तरीके से बैठते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। अभी रणवीर भाई से बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि देखिए हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, और उस तीर को रख मत देना, उस तलवार को छोड़ मत देना, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारी ताकत है, आवाज है, जनता हमको भ्रष्टाचार से लड़ते हुए जानती है और वही करते हुए देखना चाहती है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, और इस नारे को बच्चे बच्चे के मन में उतारना है कि आम आदमी पार्टी आएगी, भ्रष्टाचार मिटाएगी। तो ये दो नारे, और इसके साथ मैं अपनी थोड़ी सी बात रखना शुरू करता हूं कि देखिए बदला तो बहुत है, इन नारों ने भी बदला है और समाज में भी बदला है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्नाटक में चुनाव हुए थे, कर्नाटक में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता है वेंकैया नायडू जी, वेंकैया नायडू जी जब वोट डाल, अब हमको नहीं लगता होगा बहुत बड़े, पर उनको तो लगता ही होगा, तो बहुत बड़े नेता हैं अपने आप में वो। वेंकैया नायडू जी जब वोट डालने गए तो उनको लगा मैं तो बहुत बड़ा नेता हूं, अब आम आदमी तो छोटा होता है। जिस इलाके में रहते हैं उसमें वोट डालने गए थे वहां, तो सब आदतन नेताओं की आदत होती है सबसे पहले लगना, चार खाकी वाले गुंडे आ गए और चार खादी वाले उनके पीछे चलते ही हैं। तो जैसे चार खाकी वाले आ गए और चार खाकी वाले पीछे चल रहे थे, वेंकैया नायडू जी अपने बड़प्पन में आगे लाइन में सबसे आगे पहुंच गए। तो कर्नाटक के उस वोटर को मैं सलाम करता हूं जिसने कहा वेंकैया नायडू जी जरा पीछे लगो, लाइन पीछे है,
वेंकैया नायडू जी ने कहा, भैया आई हैव सम अदर एंगेजमेंट ऑल्सो। उन्होंने कहा जी ये सारे ऑल है, ऑल ऑफ देम है अदर एंगेजमेंट ऑल्सो, पीछे लगो लाइन में। तो ये आपकी जीत है कि कर्नाटक के एक छोटे से इलाके में वेंकैया नायडू जैसे बड़े, बीजेपी का तो बड़ा ही है, बीजेपी के बड़े नेता को आम आदमी पार्टी में पीछे लाइन में पीछे लगना पड़ता है। आम वोटर पीछे खड़ा कर देता है, बेटा लाइन में लगो, औकात में आ जाओ, अगले चुनाव के बाद तो आना ही है, इसी से आ जाओ, प्रैक्टिस कर लो। ये आपकी जीत है, ये आपकी जीत है कि कर्नाटक में जब कांग्रेस जीतती है तो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, और मैं कहूं कांग्रेस के इतिहास में, कांग्रेस ये कहना भूल गए कि हमारा मुख्यमंत्री वो होगा जो आला कमान तय करेंगी, भूल गए वो लोग। कर्नाटक के चुने हुए नेताओं ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री वो होगा जो कर्नाटक के चुने हुए विधायक चुनेंगे और गोपनीय विधायक चुनेंगे, गोपनीय रूप से चुना जाएगा। इसको हल्के में मत लीजिए, कांग्रेस को आपके रास्ते पे आना पड़ेगा। हमने पहले ही कहा था कि हम सत्ता में तो जाके बैठेंगे, लेकिन जिस दिन से हम राजनीति करना शुरू कर देंगे उस दिन से तुमको राजनीति सिखाना शुरू कर देंगे, और सिखाना शुरू कर दिया है। आपने कभी सुना, मेरे से बहुत अनुभव में, उम्र में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मेरे से नॉलेज में बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं, आप लोगों ने कभी सुना कि कांग्रेस के इतिहास में कोई चुनाव जीतने के बाद एमएलए ने कहा हो कि मुख्यमंत्री हम चुनेंगे? सारे के सारे एमएलए की एक बैठक होती है और उस बैठक की एक प्रेस रिलीज आती है, हमने तय कर लिया है कि हमारा मुख्यमंत्री जो आला कमान तय करेंगी वो होगा। पहली बार कांग्रेस के इतिहास को आना पड़ा कि जो विधायक तय करेंगे, लोकतंत्र आ रहा है दोस्तों। हम लोगों ने दिल्ली में कहा कि हमारा कैंडिडेट वो होगा जिसको जनता बताएगी, जनता की राय पे कैंडिडेट तय होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा कि हमारा भी कैंडिडेट जनता की राय पे तय होगा। बदल रहा है हिंदुस्तान और बदल के रहेंगे हिंदुस्तान, लेकिन जब हिंदुस्तान बदलना है, देश बदलना है, देश बहुत बड़ा है, तो देश बदलने से पहले दिल्ली बदलनी पड़ेगी, देश बदलने से पहले दिल्ली को बदलना पड़ेगा। तो दिल्ली को बदलने की तैयारी करिए साथियों, और दिल्ली को बदलने के लिए करना क्या है मैं थोड़ी सी बात उस पर आपके बीच रखूंगा। दिल्ली बदलेगी देश बदलेगा, एक नारा ये भी है, दिल्ली बदलेगी देश बदलेगा। तो दिल्ली को इस बार बदलेंगे, और एक और छोटी छोटी सी कई चीजें याद आ जाती हैं, अभी मैं सुनाना था बाहर खड़े होके। ये लड़ाई क्या है, प्रशांत भूषण जी जितना बता रहे थे वो सारी लड़ाई क्या है, प्रशांत जी कांग्रेस के एक बड़े नेता हमारे साथ बैठे थे एक टेलीविजन डिबेट पे, चौधरी वीरेंद्र सिंह नाम है उनका, वो ब्रेक होता है तो मैंने उनसे पूछ लिया, यार आप बात तो ठीक ठीक करते हो, आप गलत पार्टी में कैसे फंसे हुए हो? बोले मनीष जी आप जानते नहीं हो, ये सारा देश कुल मिला के 250 लोगों के कब्जे में आ चुका है, 250 लोग चला रहे हैं। मैंने कहा जी ये तो मैं भी सुन चुका हूं, पर ये बताओ कि आप फिर कर क्या रहे हो, इधर आ जाओ, दिक्कत क्या है? तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी की बात कही, और इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी के सारे दलालों की तरफ से वो बात मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि मनीष जी हमारी पीड़ा ये नहीं है कि इस देश को 250 लोग चला रहे हैं, हमारी पीड़ा तो ये है कि हम उन 250 लोगों में शामिल नहीं है। हमको सोनिया गांधी जी उन 250 लोगों में शामिल करवा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस देश लुटता रहे, ये है उनकी पीड़ा। इसके खिलाफ सारी लड़ाई है कि कोई नेता, हर जो नेता बनता है वो 250 लोगों में शामिल होने चले जाता है। तो क्या करना है, क्या करना में है, पहले तो सबसे पहले ये आज से आप लोग महाराष्ट्र के आम आदमी पार्टी के अपने अपने जिलों के झंडा बरदार हैं, मुखिया हैं, वहां के सिपाही हैं, वहां के सैनिक हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज से ये मानना बंद कर दीजिए कि आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी है, आज से भूल जाइए कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप सिर्फ एक बात याद रखिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में आप एक सैनिक हैं, सैनिक, हमारी भूमिका एक सैनिक की होनी चाहिए। कुछ साथी अभी कह रहे थे बहुत उमस है, मैंने कहा कि यहां तो उमस है लेकिन बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक से पूछो जरा, वहां धूप भी है और उमस भी है और सामने से गोलियां भी हैं, कैसे खड़ा है? तो अगर एक देश को बचाने के लिए एक सैनिक
धूप में खड़ा हो सकता है सेना पे जाके, तो एक आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही उमस में दिल्ली में 45 डिग्री के टेम्परेचर में और मुंबई की उमस में भी काम कर सकता है। वो भूल जाएगा कि उमस है, भूलना पड़ेगा, क्योंकि जब जब याद आएगा कि हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तब तब हमारी नजर जाएगी कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे रहते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे रहते हैं। और जब जब हमको याद आएगा कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के एक सैनिक हैं तो हमको याद आएगा कि बॉर्डर पे एक सैनिक कैसे रहता है, हमको बार बार याद आएगा और बार बार वही रखना है, याद रखना है। और जब हम सैनिक बनके अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो वहां चार सवाल पूछती है जनता। अभी मैं बाहर था तो कई लोगों ने सवाल पूछे, उन सवालों को मैंने थोड़ा सा नोट किया, कुल मिला के चार तरीके के सवाल हैं, चार सवाल हैं, और मैं चाहता हूं कि उन चारों सवालों के जवाब आपके बीच रखूं। उसके अलावा कोई और सवाल होगा तो आप बताइएगा। पहला सवाल जो मुझसे और आपसे लोग पूछते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों ने आम आदमी पार्टी तो बना ली इस देश, वो 1700 है ना प्रशांत जी, 1700 हम और प्रशांत जी चुनाव आयोग के पास गए थे तो उन्होंने बताया 1700 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं चुनाव आयोग में। बोले आप 1701वीं पार्टी हो गए, अलग क्या हो? लोग पूछते हैं कि आप में अलग क्या है, आम आदमी पार्टी वालों आप में अलग क्या है, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि चलो मान लिया अलग हो तो तुम लोग अलग करोगे क्या, करोगे क्या, तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुम लोग अलग क्या करोगे, यही वैसे हो कर रहे हैं वैसे तुम करोगे, तुम्हारे पास कौन सा देश की समस्याओं का समाधान है, दूसरा सवाल ये पूछते हैं। तुम लोग कहते हैं भ्रष्टाचार तो इस देश की नस नस में समा गया है, तुम कैसे ठीक कर दोगे भ्रष्टाचार को, कैसे भ्रष्टाचार ठीक होगा, नहीं हो सकता। तो दूसरा सवाल लोग ये कहते हैं कि तुम करोगे क्या और कैसे करोगे। और जब इसके बाद जवाब देते हैं तो तीसरा सवाल लोग पूछते हैं, ये भी ठीक है चलो कुछ अलग हो, ये भी ठीक है कुछ अलग कर सकते हो, कुछ अलग आइडियाज रखते हो, लेकिन ये बताओ कि तुम लोग बदल नहीं जाओगे, तुम लोग बेईमान नहीं हो जाओगे, इसकी क्या गारंटी है, पूछते हैं कि नहीं पूछते, पूछते हैं कि भाई तुम लोग बेईमान नहीं हो जाओगे इसकी क्या गारंटी है। और जब हम इन तीनों सवालों के जवाब देते हैं तो चौथा सवाल आता है कि भैया ठीक है अलग हो, थोड़ा अलग बात कर रहे हो, मान लिया चलो बदलोगे भी नहीं, लेकिन ये बताओ तुम तो बस सीधे साधे आदमी हो, प्रशांत जी कोर्ट में तो बड़ा अच्छा लड़ लेते हैं, चुनाव लड़के जीतेंगे क्या, अरविंद केजरीवाल बड़ा सीधा साधा आदमी है, लड़के जीत पाएगा क्या, भैया बड़े सीधे साधे लोग हो जीत पाओगे क्या, चौथा सवाल ये है। तो मैं इन चारों सवालों के जवाब आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे आपको सिखाना है, बल्कि इसलिए कि एक एक सेनानी को एक एक सवाल का जवाब पता होना चाहिए जब वो युद्ध क्षेत्र में जाएगा, तो एक एक सवाल का जवाब पता होना चाहिए। पहला सवाल, अलग क्या है? हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान में हम राजनीति करने नहीं आए, अपने देश में हम तो इस राजनीति को बदलने आए हैं। और बदलने का मतलब क्या है कि आज की राजनीति में जो कुछ होता है हम उसको सबको उलट देंगे। कैसे उलट देंगे? हमने आम आदमी पार्टी के संविधान में लिख दिया है कि नेता का बेटा नेता नहीं हो सकता, नेता मां का बेटा, नेता पिता का बेटा नेता नहीं हो सकता, लिख दिया हमने। यहां तो सासू दामाद, ससुर दामाद, मां बेटा, दिल्ली में हम रहते हैं वहां पे चलता है मां बेटा, आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो यहां चलता है चाचा भतीजा, नहीं आप लोग चाचा भतीजे से दुखी हो, हम लोग मां बेटे से दुखी हैं। और पूरे देश को देखें तो सासू दामाद मां बेटा भाई भतीजा सबसे दुखी है। वो कुछ लोग उत्तर प्रदेश के बैठे हैं, संजीव भाई बैठे हैं, बोले वहां तो पार्टियां ही खानदान की हैं, एक मुलायम सिंह का कुनबा, एक मायावती का कुनबा, वो तो शुक्र है कि चुनाव आयोग ने थोड़ा चुनाव लड़ने की सीमा ज्यादा रखी है उम्र की, नहीं तो मुलायम सिंह के यहां तो कोई बच्चा अगर पैदा बाद में होगा उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी पहले डिक्लेयर हो जाती है। खैर, हमने कहा कि आम आदमी पार्टी में अगर दादर की छोटी सी इकाई, आम आदमी पार्टी की इकाई में अगर मनीष सिसोदिया किसी कार्यकारिणी में है तो मनीष सिसोदिया की फैमिली का कोई आदमी दादर से लेके मुंबई से लेके महाराष्ट्र से लेके राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक में नहीं रह सकता, एक आदमी एक कार्यकारिणी में एक परिवार से रहेगा, एक परिवार से पूरी ऊपर से नीचे तक पार्टी लाइन में एक आदमी रहेगा। जितने लोग यहां बैठे हैं इनमें से किसी आदमी किसी परिवार का कोई आदमी किसी दूसरी इकाई में नहीं रह सकता, ये हमारा संविधान कहता है, इसलिए बदल देंगे हम चीजों को। और इतना ही नहीं, हमने कहा कि हम टिकट नहीं देंगे। अगर मैंने पंचायत का चुनाव लड़ लिया, अभी आप महंग भाई बता रहे थे मैं दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहा हूं,
अगर मैं दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं तो मेरे पिता मेरे भाई मेरे बच्चे मेरी पत्नी किसी को टिकट नहीं मिल सकता फिर आम आदमी पार्टी का, किसी को नहीं मिलेगा, गारंटी है, संविधान कहता है। बदल दिया, बदल देंगे इसको और इन धीरे धीरे इन राजनीतिक पार्टियों को मजबूर करेंगे कि या तो औकात में आ जाओ या चली जाओ, ये करेंगे, बदल देंगे। लेकिन इतने से नहीं बदलेगा साथियों, हमारा संकल्प है कि हम इस राजनीति को बदलने आए हैं और इस राजनीति को बदलने का मतलब है कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की राजनीति की जगह सच्चाई और देशभक्ति की राजनीति लाएंगे। और सच्चाई और देशभक्ति की राजनीति जब होगी तो नवंबर में देखिएगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और सरकार बनने याद रखिएगा, यह आपको बताना पड़ेगा दूसरों को कि क्या करेगी आपकी पार्टी, बताना उनको कि जब नवंबर में देखना कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे पहला काम यह करेगी कि दिल्ली में अफसरों और मंत्रियों का लाल और नीली बत्तियों में बैठना बंद करेगी। नवंबर के बाद दिल्ली का कोई मंत्री और कोई अफसर लाल और नीली बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठेगा। और इतना ही नहीं, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शपथ लेगी उससे अगले दिन इंडिया गेट पे एक जश्न मनाया जाएगा, उसमें दिल्ली के सारे मंत्री और सारे अफसरों को कहा जाएगा अपनी अपनी लाल और नीली बत्तियों की गाड़ियों को इंडिया गेट पे लाओ, और दिल्ली की जनता को कहा जाएगा कि अपने अपने घर से हथौड़ा लेके आना, इन लाल और नीली बत्तियों को तोड़ना है। ये करेंगे, ये करेंगे, यही करेंगे दिल्ली में, और यही बात करके हम दिल्ली में जीतेंगे। ये कहेंगे कि हम लाल और नीली बत्तियां जनता के हाथ से तुड़वाएंगे नवंबर के बाद में, और तुड़वा के दिखाएंगे हम, तो ये राजनीति बदलेगी। हमको पता है कि लाल और नीली बत्तियां तोड़ने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, लेकिन हमको पता है कि लाल और नीली बत्तियां तोड़ने से इन गद्दार नेताओं का अहंकार खत्म होगा, इन गद्दार अफसरों का अहंकार खत्म होगा, ये भी खत्म करना जरूरी है, इनका अहंकार हम खत्म करेंगे वहां पर। तो पहला काम तो ये करना है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि वेंकैया नायडू के आगे पीछे चल रहे थे, वैसे ही हिंदुस्तान में नेता बाद में बनता है, पहले चार खाकी वाले आगे और चार खादी वाले गुंडे पीछे चलने लगते हैं। हमने कहा कि खादी वाले गुंडे तो हमारे यहाँ वैसे ही नहीं होंगे और खाकी वाले हम नियम से नहीं चलने देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो नियम बनाएगी कि किसी भी नेता या किसी मंत्री या किसी अफसर को फालतू सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तामझाम नहीं दिया जाएगा। जितने पुलिस वाले नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं सबको कहा जाएगा जाओ आम आदमी के आगे पीछे घूमो, हमारी माँ बहनों का बलात्कार हो रहा है, उनको बचाओ, नेताओं के आगे पीछे मत घूमो। आज हिंदुस्तान में पुलिस का काम सिर्फ एक रह गया है, कोई अत्याचार कम हुआ है क्या, कोई अपराध कम हुआ है क्या, कोई आतंकवाद कम हुआ है क्या? हिंदुस्तान में पुलिस के पास सिर्फ एक काम रह गया है, नेताओं को जनता से बचाओ। और सारी की सारी हिंदुस्तान की पुलिस एक ही काम में लगी हुई है, अपने नेताओं को जनता से बचाओ। तो हम ये करेंगे, नेता और जनता के बीच से पुलिस को हटा देंगे। नेता अच्छा काम करेगा तो जनता वाह वाह करेगी, और नेता खराब काम करेगा तो जनता जूते मारेगी, और पिटना चाहिए, अगर गलत काम करे तो नेता वहीं पिटे। तो ये करेंगे, इसको कहते हैं, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं, जवाब से पूछते हैं आदमी के अलग क्या है, तो अलग यह है लाल बत्ती में नहीं बैठेंगे, नीली बत्ती खत्म कर देंगे, अलग यह है कि सुरक्षा का तामझाम लेकर नहीं चलेंगे, अलग यह है कि दिल्ली में, मुझे नहीं पता मुंबई में साइज क्या है मंत्रियों के बंगलों का, दिल्ली में तो मैं देखता हूं तो खून खौल उठता है, दिल्ली में एक एक नेता के पास में 6-6 एकड़ का बंगला है। मैं अभी हवाई जहाज से उतर रहा था यहां मुंबई में, तो वहां वो पट्टी दिखती है, क्या बोलते हैं उसको, झोपड़पट्टी दिखती है। मैं सोचता जब भी आता हूं तो हमेशा सोचता हूं, और दिल्ली में भी खूब दिखती है, मैं सोचता हूं एक तरफ हिंदुस्तान का आम आदमी जो 6-6 परिवार, इतने इतने जितने में मतलब छोटे छोटे से 6-6 गज में रह रहे हैं 6-6 परिवार, और एक तरफ ये नेता हैं जिनसे ना चला जाता ना बोला जाता ना सोचा जाता, और वो 6-6 एकड़ के बंगलों में रह रहे, क्यों रह रहे? हम नेताओं को कहते हैं साहब स्कूल बनवा दो, बोलते हैं जगह नहीं है 500 किलोमीटर दूर बनवाएंगे। हम कहते हैं साहब हॉस्पिटल बनवा दो, बोलते हैं जगह नहीं है साहब दिल्ली के बाहर बनवाएंगे। हम कहते हैं साहब बच्चे बड़े हो गए इनको खेलने के लिए पार्क बनवा दो, वो कहते हैं साहब जगह ही नहीं है कहाँ बनवाएं। हमने कहा कि हम बताएंगे जगह कहाँ है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब देश में बनेगी तो ये सारे 6-6 एकड़ के बंगले तोड़ के यहाँ पे खेल के मैदान अस्पताल और स्कूल बनवाए जाएंगे।
अरे कई हजार कर्मचारियों की कंपनी को चलाने वाला उसका मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका सीएमडी अगर एक फ्लैट में रह सकता है तो हिंदुस्तान की सरकार को चलाने वाला मंत्री और प्रधानमंत्री एक फ्लैट में क्यों नहीं रह सकता है? उसको ये 6-6 एकड़ के साथ साथ बंगलों की जरूरत क्या है? उसको भी आम आदमी की तरह फ्लैट में या छोटे घरों में रहना सीखना पड़ेगा। यह हिंदुस्तान है, अंग्रेजियत नहीं चलेगी यहां पे। तो ये मैंने कहा कि राजनीति को बदल के रहेंगे, इसको इस राजनीति को बदलने के लिए हमारे ध्यान रखिएगा, ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्योंकि आम आदमी जब आपसे पूछेगा तो पूछेगा कि भैया अलग क्या हो, तो उसको बताना पड़ेगा ये। उसके बाद दूसरा सवाल, अलग करोगे क्या? तो अलग करोगे क्या, मैं प्रशांत ने काफी बातें बताई, मैं दोहराऊंगा नहीं बहुत सारी चीजों को। अलग करोगे मैं क्या, आम आदमी पार्टी की जिस दिन दिल्ली में नवंबर में सरकार बनेगी, 15 से 20 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा महीना भर के अंदर विधानसभा का सत्र बुला के जन लोकायुक्त कानून बनाया जाएगा अन्ना हजारे वाला, 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर। और जिस दिन जन लोकायुक्त कानून बन गया, उस दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली के अभी अभी मौजूदा आधे से ज्यादा मंत्री, अफसर और नेता तिहाड़ जेल में होंगे, जाना पड़ेगा। लोकपाल कानून दिल्ली में, मुंबई में भी यही हालत है। मैं शीला दीक्षित जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया था 3 दिन पहले। शीला दीक्षित जी नई दिल्ली में रहती हैं, नई दिल्ली में उनका वो है विधानसभा इलाका जहां से वो चुनी जाती हैं, सरकारी कर्मचारियों और अफसरों की कॉलोनी है। मुझे किसी ने ऐसी सभा करने के लिए बुलाया, वहां की छोटी छोटी बच्चियां कहने लगी, अंकल हमारे यहाँ पानी नहीं आता और हमारी मम्मी को या मुझको सुबह 4 बजे उठ के पीने के पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता है। लानत है ऐसी सरकार पर जो अपनी दिल्ली में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक में अपना पीने का पानी नहीं दे सकती है, लानत है। हमने कहा है, और ये तो तब है जब शीला दीक्षित दिल्ली जल बोर्ड की चेयरमैन भी है। हमने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी की सरकार आएगी तो हर परिवार को 700 लीटर पीने का मुफ्त पानी साफ उपलब्ध कराएगी, घर घर तक उपलब्ध कराएगी। हमने कहा है कि दिल्ली में बिजली के दाम रिलायंस और टाटा से पैसा खा के शीला दीक्षित ने 2 गुने कर दिए 4 गुने कर दिए। हम आएंगे सत्ता में, आम आदमी पार्टी आएगी तो दिल्ली में आते ही सबसे पहला काम, जो बड़ा काम ये करेगी, बिजली के दाम आधे करेगी, 700 लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध कराएगी और ये सारे बंगला उंगलों को तोड़ के स्कूल अस्पताल बनवाएगी जहां वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम बड़े बड़े बंगलों में रहना नहीं है, सरकार का काम लाल बत्ती और नीली बत्तियों में घूमना नहीं है। सरकार का काम है कि जो टैक्स देती है जनता और जो वोट देती है जनता, उस जनता के लिए एजुकेशन उपलब्ध कराए, हेल्थ उपलब्ध कराए, पानी उपलब्ध कराए। सरकार वही नहीं कर रही है, क्या कर रही है सरकार? यही करना है फिर, और ये करेंगे, इसलिए सत्ता में जा रहे हैं, इसलिए सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी बनाई है। तो मैंने दूसरे सवाल का जवाब दिया मोटे मोटे तौर पे, कई चीजें प्रशांत ने बताई है, मैं उनको दोहरा नहीं रहा। स्वराज लाएंगे, अभी कोई मंच से बोल रहा था एक सू वाला ही लाएंगे, दो वाला नहीं लाएंगे, सुसुराज नहीं लाएंगे, अजीत पवार वाला, स्वराज लाएंगे, सुराज लाएंगे, स्वराज लाएंगे, लेकिन अजीत पवार के हिसाब से नहीं लाएंगे। और फिर दो सवाल हुए, तीसरा सवाल लोग कहते हैं भाई चलो ठीक है, तुम लोग पार्टी भी थोड़ी अलग है, वैसे भी ठीक है, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण इन सब के लोगों को देखते हैं तो लगता है कुछ अलग ही करोगे, लेकिन ये, और जब तुम लोग स्वराज की, जन लोकपाल की बात करते हो तो ये भी ठीक है कि अगर ऐसा आ गया तो ठीक है, पर ये बताओ यार कि अगर तुम लोग बेईमान हो गए तो क्या होगा? पूछते ना, अभी भी कोई पूछ रहे थे भाई आप बदल गए तो क्या होगा। मेरा साथियों आपसे एक कहना है, इस बात की पूरी गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल कल बेईमान हो सकता है, पूरी गारंटी है। चलो अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण नहीं हो, मनीष सिसोदिया हो सकता है, चलो मनीष सिसोदिया नहीं हो, 70 लोग खड़े करें विधानसभा में, कोई भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसमें कोई हवाई जवाब नहीं हो सकता, हो सकता है। अब मैं आपको इसको समझने के लिए कहता हूं, यहां पर आप बाहर निकलते हैं तो एक लाल बत्ती है, रेड लाइट है यहां पर, इधर को, क्या यहां बैठे हुए लोग गारंटी ले सकते हैं कि इस रेड लाइट को कभी कोई जंप नहीं करेगा जब ये रेड होगी तो? गारंटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कब कौन अपनी बीवी से लड़के आए और बोले आज तो जंप ही करना है, मुझको तो रेड लाइट तोड़नी है? कब कोई गुस्से में आए, कब कोई जल्दी में आए, कब किसी की फ्लाइट ट्रेन छूट रही हो बोले लाल बत्ती जंप कर जाओ, कोई बात नहीं, आप गारंटी नहीं ले सकते। किसी भी परिस्थिति में कोई आदमी रेड लाइट जंप कर सकता है, आप गारंटी नहीं ले सकते।
लेकिन इस बात की गारंटी ले सकते हो कि अगर कोई रेड लाइट जंप करेगा तो उसका चालान कटेगा, चालान कटेगा, चालान कटेगा, इस बात की गारंटी ली जा सकती है। हम भी यही कह रहे हैं कि इस बात की गारंटी नहीं हो सकती कि 70 के 70 एमएलए और 270 विधान सांसद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 272 सांसद बेईमान नहीं होंगे, इस बात की गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि अगर इनमें से कोई बेईमान निकले या आम आदमी पार्टी में से कोई बेईमान निकले तो उसको नितिन गडकरी की तरह बचाया नहीं जाएगा, उसको पवन बंसल की तरह छिक 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 करके बचाया नहीं जाएगा, तुरंत पार्टी से निकाला जाएगा, सरकार से निकाला जाएगा और 6 महीने के अंदर अंदर उसको तिहाड़ में भिजवाया जाएगा। ऐसे कानून बन सकते हैं। हम ऐसा कानून बनाने की गारंटी ले सकते हैं कि भ्रष्टाचार करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल के अंदर अंदर वो आदमी जेल में चला जाए। आज क्या हो रहा है, आपने लालू यादव का नाम सुना होगा, लालू यादव जी के एक दोस्त बैठे थे यहाँ, कहाँ गए, चले गए, एक आए थे दोस्त थे हमारे, लालू यादव जी के भी साथ काम किया उन्होंने। लालू यादव जी ने 18 साल पहले जब बिहार में बाढ़ आई थी तो आपने पढ़ा होगा अखबारों में, जिनको याद होगा, जब बिहार में बाढ़ आई तो वहां पे पशुओं के लिए चारा नहीं बचा। अब लालू यादव जी ने क्या किया, पशुओं के लिए चारा ढूंढने निकले लालू यादव जी, और उनको चारा कहाँ मिला, उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, हरियाणा में नहीं मिला, राजस्थान में भी इधर वाले इलाकों में नहीं मिला। लालू यादव जी को पशुओं के लिए चारा मिला जोधपुर के रेगिस्तान में, और उन्होंने 400 टन पता नहीं कितना खरीदा था जाने, 40 हजार टन पता नहीं, उन्होंने 40,000 टन घास खरीदी वहां से, राजस्थान के जोधपुर से, रेगिस्तान से, अपने पशुओं के लिए, बिहार के पशुओं के लिए। और उसको बिहार जोधपुर से पटना कैसे लेके आए, स्कूटर पे। अब इस सदन में बैठे हुए बच्चे के सामने में मैं बात रखूं तो बच्चा कहेगा कि लालू यादव चोर है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य इस बात का है कि हिंदुस्तान का कानून 18 साल से खुल के नहीं कह पाया कि लालू यादव चोर है। वो ढूंढ रहा है कि लालू यादव ने चोरी की थी कि नहीं की थी। वो मुख्यमंत्री रह लिए, उनकी बीवी मुख्यमंत्री रह ली, उनके साले साहब बिहार के गुंडे रह लिए, वहां तो गुंडा भी एक पद होता है, बिहार के गुंडे रह लिए, लेकिन हालत वही के वही है। इसको बदलना है। अगर हमारी पार्टी में कोई लालू यादव निकले या बन जाए, इस बात की गारंटी नहीं हो सकती कि नहीं बनेगा, लेकिन इस बात की गारंटी हो सकती है कि अगर आम आदमी पार्टी में कोई लालू यादव बनेगा तो उसकी जगह पार्टी में नहीं होगी और उसकी जगह तिहाड़ जेल में होगी और 1.5 साल के अंदर अंदर सरकार में से उसको जेल में भिजवाएगी। इसकी गारंटी लेनी है तो ऐसे बदलेगा। अब जरा चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल यह है, देखिए मैंने 3 सवालों के जवाब दे दिए। पहला सवाल था अलग क्या है, दूसरा सवाल था कि अलग क्या करोगे और तुम लोग बेईमान नहीं होगे, तीसरा सवाल था। अब चौथा सवाल यह है कि भैया शरीफ आदमी हो, जीतोगे? कई बार लोग पूछते हैं, ट्रेन में बैठे हुए बड़े बुजुर्ग ने पूछा एक दिन बड़े ईमानदारी से, बेटा बात तो ठीक कर रहे हो लेकिन लाला जीतोगे? अब मुझे ये बताइए कि सारे सवालों का जवाब मैं ही दूं कि आप भी दोगे? है? ये सारे सवालों का जवाब मुझे ही देना है कि आप भी किसी सवाल का जवाब दोगे? जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे, जीतेंगे, लेकिन कैसे जीतेंगे? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 65 साल के पाप हैं, काटते काटते बड़ी मुश्किल से कटेंगे, इतनी आसानी से नहीं कटेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक सिपाही की तरह से खून पसीना बहाना पड़ेगा तब जीतेंगे, ऐसे नहीं जीत पाएंगे। और उसके लिए करना क्या है, जो हम दिल्ली में कर रहे हैं, आपको लोकसभा चुनाव की तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। आपको आज से यहां इस सम्मेलन के बाद से कसम खा के जाना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के 48 के 48 लोकसभा क्षेत्रों में से इस बार सांसद आम आदमी पार्टी का निकलेगा, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना एनसीपी, ना बसपा सपा। 48 के 48 सांसद इस बार महाराष्ट्र से आम आदमी पार्टी के जाने चाहिए। कैसे जाएंगे? इस हॉल के अंदर तालियां बजाने से नहीं आएंगे साथियों, थोड़ा गंभीर बात करना चाहता हूं, नारे लगाने से नहीं आएंगे, काम करने से आएंगे। और काम क्या है, हम लोग दिल्ली में जो कर रहे हैं मैं वो बता देता हूं। दिल्ली में हम लोगों ने कहा है कि हर 25 घर पे एक आदमी खड़ा करना पड़ेगा, हर 25 घर पे एक आदमी। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, हर विधानसभा में 4 नगर निगम वार्ड हैं, हर वार्ड में
180 या 150 पोलिंग बूथ हैं और एक पोलिंग बूथ का मतलब होता है 250 परिवार। हमने कहा है कि एक पोलिंग बूथ पे 10 लोग, यानी कि हर 25 आदमी 25 परिवारों पे एक आदमी हमारा होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का सिपाही होना चाहिए। ये काम है, आसान नहीं है। जब आप जाते हैं उनके पास में तो लोग कहते हैं साहब बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो आप, हम साथ हैं साहब। लेकिन उसको बोलो 25 घरों में बात कर तो बोलता है हाँ जी कल आ जाना, और कल आप गलती से चले गए तो मिलेगा नहीं। मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हो रहा है, जबरदस्त तरीके से हो रहा है। दिल्ली में लगभग 50-60% इलाकों में हम 25-25 घरों के ब्लॉक बना के हम उनके ऊपर अपना एक एक आदमी मैप कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक आदमी मैप हो चुका है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नवंबर में बनेगी। लेकिन इसमें आपकी भी जरूरत पड़ेगी, आपके। हमारे हिंदुस्तान में एक वर्ड चलता है, परंपरा है, तन मन धन, तीनों की जरूरत पड़ेगी। आपको सह शरीर वहां आना पड़ेगा, आपको महीने, दो महीने, तीन महीने वहां बिताने पड़ेंगे। आपको अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, मयंक गांधी की तरह से वहां की गलियों में घूमना पड़ेगा, भाषण देने नहीं, डोर डोर नॉक करके कहना पड़ेगा भाई साहब आपके घर में बच्चे हैं? हाँ जी हैं। इनका भविष्य अगर बचाना चाहते हो तो आ जाओ आम आदमी पार्टी के साथ, चले चलो तुम्हारे पड़ोसी से बात कर लेते हैं। आप कौन साहब? मैं महाराष्ट्र से आया हूं, मुझे लगता है कि दिल्ली में बदलाव हो रहा है। मैं अपना डॉक्टरी का दुकान छोड़ के आया हूं, मैं अपना दुकान छोड़ के आया हूं, मैं नौकरी से छुट्टी लेके आया हूं। मैं महाराष्ट्र से आया हूं, मुझे लगता है दिल्ली में बदलाव हो रहा है। आओ आप पड़ोस के घर में तो चलो। जिस दिन वो सुनेगा कि महाराष्ट्र से आके एक नौजवान लगा हुआ है, वो निकल के चलेगा आपके साथ में, और हो रहा है। ये करना है हम लोग, मुझे लगता है चुनाव प्रक्रिया, कैंडिडेट सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है उसमें बताने की जरूरत नहीं है। नटसेल में 70 के 70 विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने एप्लीकेशंस निकाली हुई हैं, एप्लीकेशंस के इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग, और उन इंटरव्यूज के आधार पे जनता की राय लेंगे, कार्यकर्ताओं की राय लेंगे, और फिर उनसे पूछेंगे भैया व्यक्तिगत तौर पे, हम प्रशांत भाई, मयंक, मतलब कई सारे लोग, अरविंद, सब लोग बैठेंगे उस कैंडिडेट के साथ, फिर उससे देखेंगे कहीं वो कुछ गलत तो नहीं सोचता, किसी जाति के बारे में गलत तो नहीं सोचता, किसी धर्म के बारे में गलत तो नहीं सोचता। उसको देखेंगे, बात करेंगे उससे, उसके बाद उसको कैंडिडेट बनाएंगे, और उसके बाद उसको करेंगे। और आपका समय, उस कैंडिडेट की ईमानदारी, और अरविंद केजरीवाल का पूरे जीवन की तपस्या, प्रशांत भूषण, मयंक गांधी, इन सब लोगों के पूरे जीवन की तपस्या, आप लोगों की मेहनत, हम सब लोगों की मेहनत रंग लाएगी साथियों। और नवंबर 2013 का चुनाव अप्रैल मई 2014 की पहली सीढ़ी होगा, पहली सीढ़ी। इसको पहली सीढ़ी मान के चलिए, इसको दिल्ली का चुनाव मत मान के चलिए, इसको ये मत मान के चलिए कि दिल्ली में चुनाव हो रहा है, इसको ये मान के चलिए कि हमारी क्रांति की पहली सीढ़ी, राजनीतिक क्रांति की पहली सीढ़ी हम लोग दिल्ली में रखने जा रहे हैं। वो सीढ़ी रखने के लिए मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं आइए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, बदलाव हमसे नहीं होगा, बदलाव तब होगा जब हम अपने जैसे और ढूंढेंगे। अगर आप अपने जिले से बाहर निकल के आना चाहते हैं तो याद रखिए कि आपके जिले में आप जैसा कम से कम एक साथी और बचना चाहिए, तभी निकल के आइएगा, वरना मत आना। अगर इतने गरीब हो कि अपने जिले में अपने जैसा एक भी पैदा नहीं हुआ अभी तक, तो मत आना। तब निकल के आना जब लगे कि मेरे जिले में तो मेरे जैसे बहुत से हैं, मैं दिल्ली चलता हूं, जिला ये लोग संभाल लेंगे, तब निकल के आना। लेकिन आना, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी जीतना है और दिल्ली का चुनाव भी जीतना है। मैं सब लोगों का आह्वान करता हूं, एक और छोटी सी चीज, दो सवाल छोटे छोटे से और रह गए। लोग कहते हैं पैसा कहां से लाओगे, और दूसरा सवाल है, कुछ लोग पूछते होंगे, आपसे जरूर पूछेंगे कि यार तुम लोग जीतोगे वीतोगे तो हो नहीं, तुम लोग फालतू में बीजेपी के वोट काट लोगे, कांग्रेस के वोट काटोगे, बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, कहते हैं ना लोग, कहते हैं। देखो कई लोग ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, लगता है ज्यादा सुनना पड़ता है। साथियों देखिए, बात है, कुछ लोगों के दिल में हो सकता है लगता हो, इससे एक बात तो साबित होती है कि इस देश में लोग कांग्रेस से छुटकारा चाहते हैं, कांग्रेस के शासन से छुटकारा चाहते हैं, कांग्रेस के भ्रष्ट शासन से छुटकारा चाहते हैं। उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अच्छा हो जाएगा, उनको बताना पड़ता है। मैं बात करता हूं उनसे, कई लोगों से मैं पूछता हूं कि इस देश ने 1999 में अटल जी की सरकार, 1999 में भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया था
कि जाओ सत्ता में बैठो, उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया और अगली बार फिर से कांग्रेस आ गई। इस देश ने फिर से मौका दिया 2009 में कि चलो जीतो, कांग्रेस को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी फिर फेल हो गई। दिल्ली में तो तीन बार से हो रहा है ये, तो तीन बार अगर कोई बच्चा क्लास में फेल हो जाता है तो उसको क्लास से निकाल दिया जाता है, जाओ बाहर। हिंदुस्तान की पढ़ाई का, स्कूलों का नियम है कि अगर तीन बार, वैसे तो दो बार के फेल में निकाल देते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तीन बार फेल हो चुकी है और देश में दो बार फेल हो चुकी है। ये ऐसा फेलियर बच्चा है जिसके सहारे हम लोग कांग्रेस से छुटकारा नहीं पा सकते। कांग्रेस से छुटकारा पाने की औकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, वो औकात ही नहीं बची कि वो इस देश को कांग्रेस के शासन से मुक्ति दिला सके। ये औकात तो आम आदमी पार्टी में बची है कि इस देश को कांग्रेस के शासन से मुक्ति दिलाएगी, और आम आदमी पार्टी ये करके दिखाएगी, दिल्ली में करके दिखाएगी और देश में करके दिखाएगी। तो कांग्रेस से अगर छुटकारा पाना है तो उनको समझाओ कि भारतीय जनता पार्टी में वो दम नहीं बचा, वो तो खोखली हो चुकी है, आम आदमी पार्टी में ही वो दम है। आइए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ, ये कहिए। और दूसरी चीज ये कि लोग कहते हैं चुनाव कैसे लड़ोगे, पैसा कैसे आएगा, तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली का चुनाव सिर्फ दिल्ली वालों का चुनाव नहीं है, ये महाराष्ट्र वालों के लिए भी आंदोलन की पहली सीढ़ी है। चंदा इकट्ठा कीजिए दिल्ली के नाम पे, लोगों को कहिए कि हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कुछ साथी हम उनको पैसा देना चाहते हैं, पैसा दीजिए, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए इकट्ठा करिए, और उनका सारा हिसाब हम लोग वेबसाइट पर डालेंगे। मैं बैंक से डिस्कस किए बिना ये डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ हो सकता है वो कहें कि यार पैसा तो हमें भी इकट्ठा करना है, लेकिन फिर भी दिल्ली में एक कैंडिडेट को चुनाव लड़ने की चुनाव सीमा चुनाव आयोग ने हमें बताई है 25 लाख रुपए। 70 कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने के लिए इस हिसाब से हमको चाहिए कितने, 17.5 करोड़ रुपए, 17.5 करोड़ रुपए और थोड़ा बहुत और विज्ञापन होल्डिंग वोल्डिंग कुल मिला के 20 करोड़ रुपए चुनाव में चाहिए। 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, 18 करोड़ रुपए और इकट्ठे करने, और हम चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को और एनसीपी को भी कि हमारी तरह से साफ गोई से डोनर्स के नाम वेबसाइट पर लिख लिख के चुनाव लड़के दिखाए और 25 लाख में चुनाव लड़के दिखाए। हम 25 लाख में चुनाव लड़के दिखाएंगे, एक पैसा फालतू खर्च नहीं करेंगे चुनाव आयोग की सीमा से, लेकिन हम चुनाव लड़के दिखाएंगे। हम चुनाव में लड़ने के लिए पैसा खर्च करेंगे, जीतने के लिए पैसा नहीं बांटेंगे, ये हम करेंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि इस लड़ाई को, दिल्ली की लड़ाई को, देश की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानना पड़ेगा।